हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली के पुत्र और कांग्रेस जिला के नगरोटा बगवां से विधायक रघुवीर सिंह बाली को सुक्खू सरकार ने कैबिनेट रैंक दे दिया है। बाली को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बनाने से पहले उन्हें बीओडी का निदेशक बनाया गया। सरकार ने उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया है, यानी इस दौरान उनको कैबिनेट मंत्री के बराबर की सुविधाएं मिलेंगी। प्रधान सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन देवेश कुमार की ओर से इस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। रघुवीर सिंह बाली जो पहली बार के विधायक है, उन्हें पर्यटन विकास निगम और बोर्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाकर सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिला को अधिमान दिया है। सरकार के इस फैसले से पार्टी ने जातीय समीकरण को भी बैठाने की कोशिश की है। बाली को कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर सरकार ने ब्राह्मण वर्ग को साधने का प्रयास किया है। कांगड़ा जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वहां पर कुल मतदाताओं पर 10% हिस्सा ब्राह्मण वर्ग का है। उन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बाली को पर्यटन विकास निगम जैसी महत्वपूर्ण संस्थान का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। रघुवीर सिंह बाली सुक्खू सरकार में मंत्री पद की दौड़ में भी आगे थे। क्यास लगाए जा रहे थे कि सुक्खू सरकार में जो 3 मंत्री पद खाली चल रहे हैं, उनमें रघुवीर सिंह बाली को मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी। सरकार ने उन्हें मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन मंत्री रैंक का दर्जा देकर उनके कद को जरूर बढ़ा दिया है। तो वहीं राहुल गांधी की हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा के बाद रघुवीर सिंह बाली को ये बड़ा ओहदा मिला है। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल के गठन में कांगड़ा जिला को नजरअंदाज किए जाने के सरकार के निर्णय पर संगठन ने नाराजगी जताई थी। कांगड़ा से किसी भी विधायक को मंत्री न बनाए जाने की बात पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएगी। इस बीच राहुल गांधी की हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद बाली को पर्यटन विकास निगम और बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया गया। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली के पुत्र और कांग्रेस जिला के नगरोटा बगवां से विधायक रघुवीर सिंह बाली को सुक्खू सरकार ने कैबिनेट रैंक दे दिया है। बाली को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बनाने से पहले उन्हें बीओडी का निदेशक बनाया गया। सरकार ने उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया है, यानी इस दौरान उनको कैबिनेट मंत्री के बराबर की सुविधाएं मिलेंगी। प्रधान सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन देवेश कुमार की ओर से इस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। रघुवीर सिंह बाली जो पहली बार के विधायक है, उन्हें पर्यटन विकास निगम और बोर्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाकर सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिला को अधिमान दिया है। सरकार के इस फैसले से पार्टी ने जातीय समीकरण को भी बैठाने की कोशिश की है। बाली को कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर सरकार ने ब्राह्मण वर्ग को साधने का प्रयास किया है। कांगड़ा जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वहां पर कुल मतदाताओं पर 10% हिस्सा ब्राह्मण वर्ग का है। उन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बाली को पर्यटन विकास निगम जैसी महत्वपूर्ण संस्थान का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। रघुवीर सिंह बाली सुक्खू सरकार में मंत्री पद की दौड़ में भी आगे थे। क्यास लगाए जा रहे थे कि सुक्खू सरकार में जो 3 मंत्री पद खाली चल रहे हैं, उनमें रघुवीर सिंह बाली को मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी। सरकार ने उन्हें मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन मंत्री रैंक का दर्जा देकर उनके कद को जरूर बढ़ा दिया है। तो वहीं राहुल गांधी की हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा के बाद रघुवीर सिंह बाली को ये बड़ा ओहदा मिला है। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल के गठन में कांगड़ा जिला को नजरअंदाज किए जाने के सरकार के निर्णय पर संगठन ने नाराजगी जताई थी। कांगड़ा से किसी भी विधायक को मंत्री न बनाए जाने की बात पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएगी। इस बीच राहुल गांधी की हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद बाली को पर्यटन विकास निगम और बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।